ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स, महादेव कृपा से आप और आपका पूरा परिवार सुखी और खुशहाल होंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ। आज मिंटू में तैयार होने वाली स्वीट कॉर्न चाट बनाना सीखते हैं। आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें 1 कप स्वीट कॉर्न, 1 गाजर, 1 प्याज, 1 टमाटर और थोड़े से धनिया की पत्ती। हम इन सब को चॉप कर लेंगे, प्याज, टमाटर, गाजर, धनिया पत्ती। इसमें अगर कुछ और सब्जियां डालना चाहे, शिमला मिर्च तो वो डाल सकते हैं। कॉर्न को पैन में डालेंगे। कटे हुए कैरेट्स, गाजर को भी हम पैन में डालेंगे। 1 ग्लास ऑफ वाटर, इसे हम बॉयल करने वाले हैं। पांच से सात मिनट के लिए इसे फुल आंच पर बॉयल होने देंगे। बॉयल होने के बाद हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। इस तरह इसका पूरा पानी निकाल देंगे। स्वीट कॉर्न को अब हम बोल में डालेंगे। अब इसमें एक एक करके सारी चीजें मिलाएंगे। पहले अनियन, प्याज जो कटे हुए थे, कटे हुए टमाटर, इन्हें मिक्स कर ले। कटे हुए धनिया के पत्ते, अब इसमें ऐड करेंगे नमक अपने स्वाद के अनुसार, देगी मिर्च या लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक, नींबू का रस और थोड़ा सा बटर। ये थोड़ा ग्रीजी लुक देगा और टेस्ट भी बढ़ा देगा। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिनटों में तैयार। आपने देखा कुकिंग टाइम कितना कम था। आई होप यू लाइक दिस। लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।